नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। धरती पर स्वर्ग देखने की चाहत हो तो जम्मू कश्मीर चले आइए। यहाँ आपको धरती पर स्वर्ग होने का एहसास हो जाएगा। यहाँ की खूबसूरती आपको इस तरह आकर्षित करेगी कि यहाँ से जाने का आपका मन ही नहीं करेगा, और गए भी तो दोबारा जरूर आएंगे। यही कारण है कि यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट भी काफी फलता फूलता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सब चौपट हो गया, जिसके मद्देनजर यहाँ आने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है, कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए यहाँ कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इसी बीच सैलानियों को आकर्षित करने के लिए सारा बोर्ड भी तैयार है। पर्यटन विभाग ने शिकारा और डल झील के हाउस बोट मालिकों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ये संदेश देना था कि जम्मू और कश्मीर पर्यटकों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है और राज्य में उनके स्वागत के लिए तैयार है। ये COVID-19 का मसला है, इसलिए यहाँ पर इस चीज़ का वो वैक्सीनेशन था वो किया है, सफाई किया है, सब चीज़ किया है। कोविड प्रोटोकॉल जो हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दे। आज यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमारे शिकारे वालों के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। यू कैन सी ऑन दिस ब्यूटीफुल डल लेक ऑल दिस लवली शिकाराज आर फ्लोटिंग हु आर वेटिंग फॉर टूरिस्ट। और एक कोशिश है हमारी कि हम इनको प्रॉपर जो SOPs फॉलो करने हैं वो ये SOPs फॉलो करें। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ यहाँ डल लेक में नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है हम सब डेस्टिनेशन जो हमारी हैं, पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग, यूसमर्ग एंड एवरी अदर डेस्टिनेशन जम्मू में जो हमारे एरियाज हैं, पत्नी टॉप है, बाकी एरियाज हैं, कटरा है, हम हर जगह SOPs जो हैं उनको बारे में ट्रेन करें हमारे ट्रैवल ट्रेड को, ताकि वी इंश्योर दैट जो भी यहाँ आए, जो भी टूरिस्ट यहाँ आए, ही फील सेफ एंड वी आर एबल टू कैरी आउट आवर टूरिज्म इन अ वेरी सेफ मैनर। यानी कि ये शिकारे पर्यटकों के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में जितने भी ट्रेवल ट्रेड हैं, सभी को कोरोना की SOP और गाइडलाइंस की जानकारी दी जा रही है, ताकि वो इसे फॉलो करें और यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को जम्मू कश्मीर में ट्रेवल करना सेफ लगे। गौरतलब है कि यहाँ के पर्यटन उद्योग को कोरोना महामारी के कारण आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।